हाय गाइस, वेलकम टू सरकार ट्रेडर्स। और सरकार ट्रेडर्स में मैं कौशिक सरकार आपके साथ। इस बड़ी इवेंट के बाद, बड़ी हलचल के बाद कल का दिन मार्केट हमें क्या सिनेरियो दिखाई दे सकता है, कहाँ पे हम कॉल ऑप्शन लेना है। अगर आप कॉल ऑप्शन लेके चल रहे हो या पुट ऑप्शन लेके चल रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। ओके, आज मार्केट इतना वोलेटाइल रहेगा ये मैं पहले ही आपको अलर्ट कर दिया था। आज मॉर्निंग पे हमारा इस टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आपको अलर्ट कर दिया था। मॉर्निंग का जो राइटअप है वो आप देख सकते हो, जो मार्केट में बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा था आपको कि मार्केट बैंक निफ्टी इतनी पॉइंट पॉजिटिव हो रहा है, आईटी सेक्टर इतना पॉइंट नेगेटिव हो रहा है, सो मार्केट इज वॉलेटाइल। ओके, इस सिनेरियो पे कौन सी कॉल कौन सी पुट पे हमने ध्यान देना है ये भी हमने यहाँ पे लिख डाला था। राइट, पूरा दिन में जो हमने परफॉर्मेंस दिया आपको टेलीग्राम चैनल पे वो कैसे रहा है, तो बिल्कुल हम देख सकते हैं कि एक पेड सर्विस से भी कई गुना बेहतरीन सर्विस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, फुल्ली फ्री, कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं है। ओके, तो आप अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक से ही ज्वाइन होना, क्योंकि हमारा बहुत सारे मित्र है जो सरकार ट्रेडर्स के नाम पे बिजनेस चला रहे हैं और आप लोगों का पैसा बहुत बुरी तरीके से ठक रहे होंगे। तो सर्च करके मत लाना, इसी लोगो इसी नाम से आपको बहुत सारे चैनल मिलेगा, लेकिन हमारे चैनल पे ज्वाइन होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो लिंक है उसी के थ्रू जाके ज्वाइन होना। ओके, चलिए गाइस, अभी हम देखेंगे कि आपके पास अगर कॉल ऑप्शन है तो आपको कितना प्रॉफिट दिला सकता है, आपके पास अगर पुट ऑप्शन है तो आप क्या कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ऑन डे का टाइम फ्रेम को देखने का क्वेश्चन, अच्छा आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, आज मार्केट कैसे रहा, पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा? अरे सर कैसे बात करते हो, पूरा दुनिया कह रहे हैं मार्केट नेगेटिव रहा, हम भी देख रहे हैं मार्केट नेगेटिव रहा। नहीं गाइस, मैं बोलूंगा मार्केट पॉजिटिव रहा। यस, मैं बोलूंगा मार्केट पॉजिटिव रहा। क्यों? देखो नेगेटिव का जो खेल है ना, ये सुबह 15 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर हमारा क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद तो मार्केट ने पिन पॉइंट सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट ने लिया पिन पॉइंट सपोर्ट। देखो निफ्टी में भी लिया पिन पॉइंट सपोर्ट और बैंक निफ्टी भी पिन पॉइंट सपोर्ट लिया, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है। अभी आप क्या कहोगे, अरे सर छट्टे मरने का जगह नहीं मिला और भी क्या, यहाँ पे कुछ चीज़ का सपोर्ट है मार्केट का। सो गाइस, मैं दिखाऊंगा किस चीज़ का सपोर्ट है और ऐसे ही मल्टीपल कंफर्मेशन आपको हमारा ऑनलाइन क्लास में समझाया जाता है। राइट, तो किस चीज़ का सपोर्ट है यहाँ पे वो भी मैं बताऊंगा, कल कॉल ऑप्शन चलेगा या पुट ऑप्शन चलेगा वो भी बताऊंगा, और ऑप्शन चेन में हमें क्या डाटा हमें प्रेजेंट कर रहा है वो भी मैं समझाऊंगा। राइट, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या स्थिति बना रहा है अभी। तो गाइज, मैं आज मॉर्निंग से ही 17,700 का कॉल के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा था, देख रहा था मार्केट को, और कल रात को आप लोगों को जो डेमो क्लास लिया था इस ऑप्शन चेन को बहुत क्लियरली समझाया था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पे ह्यूज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे ह्यूज बना हुआ था। राइट, इस शेयर में बहुत कम ओपन इंटरेस्ट था, बट धीरे धीरे क्या हुआ, कल जैसे हम समझा रहे थे कि अगर हम मानते हैं कि ये पाकिस्तान का सीमाएं है और इंडिया का सीमाएं है, राइट, तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो सोल्जर है वो खत्म हो रहा था, यानी कि यहाँ पे आपको कॉल राइटर जो है वो घट रहा था। अल्टीमेटली लास्ट टाइम पे हम क्या देख पा रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट है 1,77,000 के ऊपर, और पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है 1,54,000, और मॉर्निंग सेशन पे ये ओपन इंटरेस्ट 2,25,000 था। ओके, और ये ओपन इंटरेस्ट 1,20,000 के करीब था, और अभी ये चेंजेस हुआ है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में इंक्रीज हो रहा है। कोई भी अचानक कहेगा, अचानक देखेंगे तो बोलेंगे अभी कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मार्केट को गिरना चाहिए, यही कहेंगे ना। बट मैं अभी मार्केट को गिरने के लिए इतना नहीं कह सकता हूँ, नहीं कह पा रहा हूँ। क्यों नहीं कह पा रहा हूँ मैं आपको आगे और डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल मैं एक चीज़ तो आपको बता दिया कि यहाँ पे मार्केट ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा तो है, बट पूरा दिन का सिनारीज अगर देखा जाए तो धीरे धीरे 17,700 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ओके, इससे हम ये कर सकते हैं कि 17,700 एक मेजर लेवल है, कल मार्केट 17,700 के ऊपर ओपन होगा और 5 मिनट पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ से मार्केट और पॉजिटिव जाने की कोशिश करेगा। मेरा फर्स्ट टारगेट 17,800 रहेगा। क्या बताया, दोबारा बता रहा हूँ कि मार्केट को 17,700 के करीब ओपन होना चाहिए, इसका ऊपर पॉजिटिव एक 5 मिनट कैंडल बनना चाहिए, तो उस कैंडल का हाई के ऊपर अगर हम बाई करूंगा मेरा धीरे धीरे टारगेट रहेगा 17,800। अब अगर मार्केट गैप अप होता है तो कह नहीं सकते। ओके, बट अगर 17,700 लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, इसी रेजिस्टेंस कंटिन्यू मजबूत होता जाता है, तो मार्केट यहां से थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बट मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो चांसेस है, वो मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़ी थोड़ी रिकवरी दिखाई दे सकता है। अब रिकवरी क्यों दिखाई दे सकता है, ऐसे सट्टा मारने से काम तो नहीं चलेगा। ओके, तो क्यों रिकवरी हो सकता है, मैं यहाँ पे ना आपको आईटी सेक्टर को दिखाऊंगा। चलिए मैं आपको आईटी सेक्टर का चार्ट दिखाता हूँ, जो क्या सीन है। आज मार्केट का गिरने का वजह क्या था, समझ में आ गया आपको क्या वजह था।
मैं कल का वीडियो में ही आपको बताया था, कल का वीडियो में क्या बताया था कि इंफोसिस का रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब आ रहा है, HDFC का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? देखो कभी भी आप देख लेना, अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी मार्केट गिर जाता है, अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी मार्केट गिर जाता है, खराब रिजल्ट आने से तो गिरता ही गिरता है। तो IT के लिए खराब रिजल्ट आया तो IT तो गिरा ही है, बैंक निफ्टी का अच्छा रिजल्ट आया तो बैंक निफ्टी हमारे को 450 पॉइंट गैप अप ओपन होता हुआ दिख रहा था, और जहां पे गैप अप ओपन हुआ वहीं से सीधा डाउन हुआ, यही हुआ था ना आज, ओके। बट डाउन होने के बाद सस्टेन किया सपोर्ट लेवल पे और वहां से पॉजिटिव जाने का कोशिश किया। अब देखो इस सिनारिस पे ऑन डे का टाइम फ्रेम देखो आईटी का क्या हो रहा है, ये प्राइस एक्शन पे क्या कहते हैं इसे, कि कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर आया था और पूरा सेलिंग प्रेशर गायब हो गया, यानी कि बाइंग प्रेशर आ सकता है यहाँ पे, आप एग्री हो मेरे साथ? मैं प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, अब मार्केट में क्या होगा ये भगवान भी नहीं जानते, ठीक है? जो प्राइस एक्शन से डेटा से हमें मिल रहा है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट? तो ये तो हमें यही कह रहा है कि मार्केट में जितनी सेलिंग प्रेशर आया था पूरा रिकवरी हो गया है। साथ में अगर आईटी का, साथ में अगर यहाँ पे आईटी का दिग्गज स्टॉक की बात करेंगे कि INFY इंफोसिस, जिसकी वजह से आज मार्केट ऐसे हुआ, उसका चार्ट कैसे है, तो डेफिनेटली नो डाउट कि एक बुलिश चार्ट है ना, यहाँ पे तो ये नहीं कह सकते ये बेयरिश चार्ट है, बहुत अच्छा बुलिश चार्ट है, काफ़ी दिन पहले का लो को टच किया मार्केट ने इंफोसिस ने और वहाँ से एक बुलिश हैमर कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया। तो इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईटी सेक्टर में पॉजिटिवनेस रह सकता है, राइट? अब बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मैं जब अभी देखा हूँ तो HDFC बैंक, ICICI बैंक को छोड़ के बाकी जो SBI बैंक, इंडियन बैंक, कोटक बैंक, इन तमाम में एक अच्छा पॉजिटिव रुझान है, ठीक है? इन तमाम में एक अच्छा पॉजिटिव रुझान है। तो बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी को देखिए क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में जो सेलिंग प्रेशर था वो पूरा रिकवरी हो गया है, पिछला दिन का हाई के ऊपर क्लोजिंग हुआ है, पिछला दिन का हाई के ऊपर क्लोजिंग हुआ है, तो ये भी बैंक निफ्टी के लिए मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव वाले निशानी है। आप अगर ऑन आवर्स का चार्ट देखोगे ना तो आपको यही दिखेगा कि कंटिन्यू हर एक घंटे ये पॉजिटिव कैंडल बनाया है सिवाय लास्ट ऑन आवर्स का। गाइज लास्ट जो ऑन आवर्स होता है ये कितने मिनट का कैंडल होता है गाइज? सिर्फ 15 मिनट का ही होता है, ओके। तो कल का हम क्या करेंगे, अच्छा से सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, टेक्निकल मैं समझाऊंगा यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट के साथ। देखो 15 मिनट का चार्ट में ओपन करूँ, ओके, आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है, जो ये ट्रेंड लाइन बना आज, इस ट्रेंड लाइन अपने ड्रॉ कर लेना है, इस ट्रेंड लाइन से नीचे अगर मार्केट रहेगा तभी आपने पुट पे जाना है, अदरवाइज आपको मैक्सिमम व्यू रहेगा कॉल साइड में जाने का। बट कॉल साइड कब जाएंगे, जब आज का इस हाई को, आज का ये हाई नहीं, इस हाई को, कौन सी हाई है ना, 42,300 को ऊपर चलेगा तो मैं 500 या 600 तक जाने का एक्सपेक्टेशन करूंगा बैंक निफ्टी को। ध्यान से सुनिएगा, 42,300 के ऊपर चलेगा तो मैं 500 या 600 जाने का एक्सपेक्ट करूंगा। इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो मैं पुट साइड में जा सकता हूँ, क्लियर? आपको इस टेलीग्राम चैनल पर नेक्स्ट डे का लेवल दिया जाता है, बहुत क्लियरली नेक्स्ट डे का लेवल दिया जाता है, ठीक से देखिए इस लेवल को, तो ये लेवल बहुत अच्छा आपको वर्क करता है। तो 42,200 के ऊपर अगर स्टेबल होगा तो 42,600 मेरा ये डेटा प्रेडिक्शन कह रहा है, और निफ्टी के लिए कह रहे हैं 17,700 के ऊपर अगर स्टेबल होगा तो 17,850 तक भी निफ्टी जा सकता है, दैट्स ऑल, ओके। टेक्निकली भी हमें समझ में आया, अब देखो निफ्टी का चार्ट यहाँ पे टेक्निकली क्या है, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। अब जो ये प्रीवियस एक लो था, इस लो के पास थोड़ा सा रेजिस्टेंस और मार्केट फेस कर सकता है, मेरे ख्याल से मार्केट इसके ऊपर अगर ओपन होगा, इसके ऊपर ओपन होने का चांसेस ज़्यादा है, और ये धीरे धीरे अगेन 17,800 और 850 के करीब पहुंचने का चांसेस बनाएगा, ओके। ऑप्शन चेंज से और ग्लोबल मार्केट से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव खबर आपको आने वाला है ही नहीं, और हमारे इंडिया के अंदर भी इतनी बड़ी इवेंट इस वीक में नहीं है, तो हमें इंडिया का जो मार्केट है, जो हमें निफ्टी बैंक निफ्टी है, ये एक स्मूथली बिहेव करेगा इस वीक, मुझे ऐसे लगता है। तो आपको अब कौन सी कॉल ऑप्शन में काम करना है, कौन सी पुट ऑप्शन में काम करना है, इतना तो समझदारी आपको है ही है, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो आई होप कि आपको कल किस जगह पे कॉल ऑप्शन में बने रहना है, कहाँ पे कॉल ऑप्शन से निकल जाना है, कहाँ पे पुट ऑप्शन पे बने रहना है, ये पूरा चीज़ आपको क्लियर हो गया, और मेरा व्यू किस तरफ है ये भी क्लियर हो गया। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।